अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है आपका फेवरेट चैनल योर फ्री एकेडमिया, उन बच्चों का चैनल जो केमिस्ट्री समझकर पढ़ना चाहते हैं। रटे वालों के लिए है कोई और चैनल। सब बोल रहे हैं 10 टाइम माय पैशन माय केमिस्ट्री। नाउ स्टडी टाइम स्टार्ट्स। ओके बच्चों, कल के लेक्चर में हमने स्टडी किया था कि सॉल्ट्स क्या होते हैं। हमने देखा था कि सॉल्ट्स को किस तरह सेंसराइज किया जा सकता है, जनरल मेथड हमने देखा था, ठीक है, किस तरह सॉल्ट्स जो होते हैं बनते हैं। उसके अलावा हमने कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी सॉल्ट्स के बारे में, कि सॉल्ट्स जो होते हैं वो कैसे प्रॉपर्टीज शो करते हैं और वो क्यों वो प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं। आज हम पढ़ेंगे बेसिकली प्रेपरेशन ऑफ सॉल्ट्स। प्रेपरेशन ऑफ सॉल्ट्स का जनरल मेथड जो हम देखते थे वो क्या था, जिसके अंदर एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास एक सॉल्ट बनता है और फिर वाटर जो होता है वो एलिमिनेट करता है। लेकिन जो प्रेपरेशन ऑफ सॉल्ट होती है वो दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, मीन्स कि इसके आप कह रहे हो दो टाइप्स होती हैं। एक तो हमारे पास आते हैं सोल्युबल सॉल्ट्स और दूसरे हमारे पास आते हैं इनसोल्युबल सॉल्ट्स। आज बच्चों हम सिर्फ और सिर्फ प्रिपरेशन देखेंगे सोल्युबल सॉल्ट्स की। नाम शो कर रहा है सोल्युबल सॉल्ट्स, सारी बात है ऐसे सॉल्ट्स जो कि सोल्युबल हो जाते हैं किसके अंदर, इन वाटर। जैसे हमारे पास आता है NaCl, टेबल सॉल्ट होता है, ठीक है, जो घर में हम आमतौर पर नमक यूज़ करते हैं वो पानी में सोल्युबल हो जाता है, तो हम इसको कहते हैं ये हमारे पास क्या है, सोल्युबल सॉल्ट्स हैं। टोटल बच्चों 5 मेथड्स होते हैं जिनके थ्रू आप कोई भी तरह का सॉल्ट जो है वो प्रिपेयर कर सकते हो, मींस के टोटल 5 मेथड्स हैं जिनके थ्रू आप लोगों ने प्रिपेयर करना है सॉल्ट को। जो 4 मेथड्स होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं कि आप लोगों ने सोल्युबल सॉल्ट्स बनाने, ठीक है, जो कि पानी में सोल्युबल हैं, जबकि सिर्फ और सिर्फ 1 मेथड ऐसा है जो कि यूज़ किया जाता है कि हम एक इनसोल्युबल सॉल्ट जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। आज बच्चों हम देखेंगे कि हमने सोल्युबल सॉल्ट्स जो होते हैं वो कैसे बनाने हैं। अब देखो सोल्युबल सॉल्ट से मुराद क्या है, नेम शो कर रहा है कि ऐसे सॉल्ट्स जो कि क्या है, सोल्युबल हैं वाटर के अंदर। अब जो चीज़ सोल्युबल है वाटर के अंदर, उसके अलावा एक चीज़ और भी देखो कि आपको पता है कि सॉल्ट्स होते हैं वो क्रिस्टल्स की फॉर्म में होते हैं, क्रिस्टल्स की फॉर्म में होते हैं। इनके पास क्या होता है, इनका क्रिस्टलाइजेशन वाटर भी होता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी कह सकते हैं इसको, हाइड्रेशन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो आप जब भी मीन्स कि यहाँ से अभी सोल्युबल है वाटर के अंदर, जब भी कोई चीज़ एवेपोरेट करते हो तो उसके पीछे क्या रहता है, उसकी जो क्वांटिटीज होती हैं, इम्प्योरिटीज़ कह लो आप लोग, ठीक है, कोई भी चीज़ जो होती है वो सॉलिड फॉर्म में रह जाती है, क्रिस्टल्स की फॉर्म में। सेम इसी तरह जब भी आप एवेपोरेशन करोगे तो उसके पीछे क्या रहता है, आपके पास एवेपोरेशन करोगे तो उसके पीछे ऑटोमेटिकली आपके पास सॉल्ट्स रह जाते हैं, मीन्स कि इस प्रोसेस के थ्रू, क्रिस्टलाइजेशन के थ्रू या फिर एवेपोरेशन के थ्रू जो कि क्रिस्टल सॉल्ट्स होते हैं वो हम ऑब्टेंड कर सकते हैं, जो कि सोल्युबल होते हैं वाटर के अंदर, मीन्स के सोल्युबल सॉल्ट्स को। अब अगर बच्चों हम देखें कि इनकी रिएक्शन की किस तरह आप लोग प्रिपेयर कर सकते हो, सबसे पहले जो रिएक्शन आता है वो आता है डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसकी डिटेल में हम इतना नहीं जाएंगे मैं, लेकिन आपको जनरल कॉन्सेप्ट जरूर दूंगी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। डिस्प्लेस का मतलब क्या होता है कि एक जगह से किसी दूसरी जगह किसी चीज़ को रखना, ठीक है, या आप समझ लो कि एक चीज़ ने किसी दूसरी चीज़ को किक आउट किया है, किसी जगह से निकाल के बाहर फेंका है। अब बेसिकली जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है बच्चों वो डिपेंड करता है किसी भी सब्सटेंस, किसी भी मेटल की रिडक्शन पोटेंशियल के ऊपर। ये मैंने चीज़ आपको 9th में भी क्लियर की थी, रिडक्शन पोटेंशियल के ऊपर, ठीक है, ये चीज़ होती है। इसका एक टेबल होता है स्पेसिफिक, ठीक है, उसके अंदर उन्होंने बताया होता है कि ये जो है सबसे इसका हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल है, इसका ऑक्सीजन प्रेशर लेस है, ठीक है, इसका ज़्यादा है। हम हाइड्रोजन को बेसिकली क्या यूज़ करते हैं, स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं इन रिडक्शन पोटेंशियल। ये भी आप लोग अपनी बुक के ऊपर लिख सकते हो। बेसिकली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि आपका जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है ना वो डिस्प्लेस करता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को। ऑब्वियसली बात है, जाहिर बात है, जिसके अंदर ज़्यादा शिद्दत होगी, जो ज़्यादा ताकतवर होगा वो दूसरे वाले को जो कमज़ोर होगा उसको किक आउट कर देगा, वहाँ से निकाल के बाहर फेंक देगा। तो डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि हमारे पास जो सॉल्ट होते हैं वो बनते हैं जब एक मेटल जो होता है दूसरे मेटल को डिस्प्लेस कर रहा है, उसकी जगह आकर ले रहे हैं। जिस तरह मैंने आपको रिएक्शन करवाए थे, आई होप सो कि आप लोगों ने देखे हों, रिएक्शन किसके थे, जिसके अंदर हमारे पास रिएक्शन थे एसिड के और बेस की। मैंने आपको जनरली एक लाइन बताई थी किस तरह एक सब्सटेंस है एसिड है और बेस रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बन रहे हैं। जिस बच्चे को ये एक रिएक्शन आगे ना, जो मर्जी आप कंपाउंड लिख लो, जिसका का मर्जी आपको रिएक्शन आ जाए, तो आप लोगों को समझ आ जाएगी कि किस तरह आप लोगों ने करना है कि रिएक्शन को सेंसराइज करना है। अब देखो सपोज यहां पर आप लोग लिखो एसिड प्लस मेटल। अब आपको पता होना चाहिए जब भी एसिड और मेटल आपस में रिएक्शन करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास एक सॉल्ट बनेगा और यहां से हाइड्रोजन गैस जो है वो इलिमिनेट होगी। अब एसिड के अंदर क्या होता है कि आपके पास एच पॉजिटिव होता है, ठीक है, एसिड जो होते हैं उनके अंदर क्या होता है, एच प्रोटॉन होते हैं, तो हाइड्रोजन गैस यहाँ पर इलिमिनेट होना जरूरी है। अब सपोज आपके बुक के ऊपर जो रिएक्शन मेंशन है वो है HCl का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, ठीक है, आप इसको हाइड्रोजन क्लोराइड भी कह सकते हो। इसका रिएक्शन होता है किस साथ, मैग्नीशियम के साथ। अब आपको पता है मैग्नीशियम जो होता है वो किसके अंदर होता है, ग्रुप 2 के अंदर होता है, ठीक है, तो इसके ऊपर +2 वैलेंसी होती है, इसको हमें सेटिस्फाई करना है, तो हम आगे जाकर करेंगे किस तरह करेंगे। तो ये बनेगा MgCl, मींस कि यहाँ से जो H होगा वो यहाँ से लिमिट हो जाएगा और Mg जो है वो इसकी जगह आएगा, इसको आके डिस्प्लेस कर देगा, तो ये हो जाएगा MgCl प्लस H
पॉजिटिव, सॉरी इसको H2 लिखेंगे, हाइड्रोजन गैस हमारे पास इलिमिनेट होगी, मैंने H पॉजिटिव कर दिया। मैं बताती हूँ कैसे H2 आया। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, H2 आ गया। अब आपको पता है कि जो Mg है यहाँ पर इसकी वैलेंसी जो है सेटिस्फाई नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि Mg जो है वो किससे अपनी वैलेंसी जो है सेटिस्फाई करता है। ये सिर्फ इस सूरत में कर सकते हैं अगर हमारे पास यहाँ पर 2HCl हो, ठीक है, और यहाँ पर प्रोडक्ट के अंदर MgCl2। अब यहाँ पर जो 2 है ये वैलेंसी किसकी है, मैग्नीशियम की है, ठीक है, तो इसकी वैलेंसी जो है वो सेटिस्फाई होगी। आप रिएक्शन देखो एसिड और बेस के, तब आपको समझ आ जाएगा कि मैम ने किस तरह हमें करवाया था कि हमने कैसे रिएक्शन को बैलेंस करना है, किस तरह हमारे पास रिएक्टेंट्स के कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आने चाहिए, कितने नंबर ऑफ मोल्स आने चाहिए, ठीक है। और यहाँ से जो हाइड्रोजन गैस है वो इवॉल्व आउट हो जाएगी। अब अगर हम जनरल एक और रिएक्शन देख लेते हैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, मैं बता रही हूँ, ठीक है, आप अपनी बुक पर भी लिख सकते हो। जैसे हमारे पास आता है नाइट्रिक एसिड HNO3, ये रिएक्ट करते हैं किसके साथ, कैल्शियम के साथ। अब देखो कैल्शियम ने आके ऑटोमेटिकली एच को यहाँ से रिप्लेस कर देना, मीन यहाँ से उठा के बाहर फेंक देना, तो ये हमारे पास बनेगा कैल्शियम नाइट्रेट CaNO3 प्लस हाइड्रोजन गैस जो है वो हमारे पास क्या होगी, इवॉल्व आउट होगी, ठीक है। लेकिन अब आपको पता है कि हमें यहाँ पर रिएक्शन भी बैलेंस करना होता है, ठीक है। आपको मैंने पहले ही बताया था कि हमें रिएक्शन जो है तो जरूरी होता है कि बैलेंस करें, ठीक है। जनरल अंडरस्टैंडिंग के मैंने होता है कि सर रिप्लेसमेंट होती है। अब यहाँ पर हम 2HNO3 लगाएंगे, जब हम 2NH3 लगाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास NO3 × 2 आ जाएगा, ताकि कैल्शियम के ऊपर जो वैलेंसी है वो +2 आ जाए, ठीक है, और हाइड्रोजन गैस जो यहाँ से इवॉल्व हो जाए। रिएक्शन को बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मैंने आपको समझाया हुआ है किस तरह आप लोगों ने करना है, तो आप लोगों ने वो चीज़ लास्ट में देखनी है। दूसरा बच्चों जो रिएक्शन आता है वो आता है आपका किस चीज़ का बच्चों, वो रिएक्शन आता है आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मैंने बाहर आपको पढ़ाया क्या होता है, जिसके अंदर एसिड और बेस होते हैं वो आपस में रिएक्ट करते हैं और आपके पास क्या होता है, वाटर एलिमेंट होता है और सॉल्ट बनता है। सपोज आपके पास है एसिड HCl प्लस बेस है आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, सोडियम पॉजिटिव और नेगेटिव, मींस कि एसिड का नेगेटिव पार्ट और जो आपकी बेस है उसका पॉजिटिव पार्ट आपस में एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, इंटरलिंक करेंगे, इंटरेक्शन करेंगे, तो आपके पास एक सॉल्ट बनेगा सोडियम क्लोराइड और वाटर जो है यहाँ से इलिमिनेट होगा। मैंने पहले रिएक्शन करवाया हुए हैं एसिड के, तो आप लोग वो वीडियो भी लास्ट में देख सकते हो, ठीक है। इसलिए मैंने आपको जनरली न्यूट्रलाइजेशन का सिर्फ एक ही रिएक्शन करवाया, पहले मैंने सारे रिएक्शन करवाए हुए हैं, ठीक है, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बस मैं ओवरव्यू करवा रही हूँ कि हाँ भाई इस तरह रिएक्शन करना है। उसके बाद बच्चों आता है रिएक्शन किस चीज़ का, एसिड का और मेटेलिक ऑक्साइड का। मेटेलिक ऑक्साइड क्या होता है, कोई भी मेटल जो होता है वो रिएक्शन करता है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। जब भी ऑक्सीजन कंपाउंड होगा, ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड होगा किसी भी मेटल के साथ, तो उसको हम कहेंगे मेटेलिक ऑक्साइड, क्योंकि मेटल का मेटेलिक और ऑक्साइड मींस ऑक्सीजन का, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं मेटेलिक ऑक्साइड। अब क्या होता है, जब भी एसिड जो होता है वो मेटेलिक ऑक्साइड के साथ बच्चों रिएक्शन करता है, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनना होता है वो बनता है सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। सबसे पहले हम आपकी बुक का ही रिएक्शन देखते हैं, जो कि आपकी बुक के ऊपर मेंशन है, वो किस चीज़ का है, वो है H2SO4 मींस के सल्फ्यूरिक एसिड का, किसके साथ, क्यूपरिक ऑक्साइड के साथ, ठीक है। ये रिएक्शन करता है तो हमारे पास क्या बनता है, क्यूपरिक सल्फाइड CuSO4 प्लस H2O, ये हमारे पास बनता है, क्योंकि यह कॉपर ने आगे करना है, इसके साथ रिएक्शन करना है और यहाँ से वाटर जो है वो ऑटोमेटिकली रिप्लेस होना है। अब देखो यहाँ पर आपकी वैलेंसी जो है फुली सेटिस्फाइड है, अब कोई एडिशन नहीं है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स करने की जरूरत। अब अगर बच्चों हम H2SO4 की जगह कोई और एसिड लें, सपोज हमारे पास आ जाता है HCl, ठीक है, ये रिएक्ट करते हैं किसके साथ, क्यूपरिक ऑक्साइड के साथ, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड भी आप लोग कह सकते हो, ये ब्लैक इन कलर होता है, ठीक है, इसके साथ रिएक्ट करता है तो हमारे पास क्या होता है, ये जो कॉपर होता है ये क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए, क्योंकि हमें पता है कि जो क्लोराइड होता है, ठीक है, उसकी -1 होगी, लेकिन कॉपर की हमारे पास -2 होती है, मीन्स इसकी हमने वैलेंसी इंटरचेंज हो जाती है, आपको पता है आपने इंटरचेंज करनी होती है, आपको पता चलेगा किस हम केमिकल फॉर्मूला लिखते हैं तो उसके थ्रू आपको पता चलेगा। तो यहाँ पर हमारे पास 2HCl आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 2H2, क्योंकि आपको पता है आपके पास वाटर बनना है, तो जरूरी है कि आपके पास सेकंड साइड के ऊपर भी 2 मॉलिक्यूल्स हो किस चीज़ के, हाइड्रोजन के, और एक मॉलिक्यूल हो किस चीज़ का, वाटर का। तो यहाँ पर जाके प्रोडक्ट में हमारे पास क्या बनेगा, CuCl2 प्लस H2O, ठीक है। उसके अलावा अगर आप लोगों ने एक और रिएक्शन लिखना है, किस चीज़ का लिखना है, आप लोग लिखो सोडियम ऑक्साइड का, Na2O का, ठीक है, सोडियम ऑक्साइड है, ये रिएक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। सेम इसी तरह यहाँ पर क्या बनेगा, NaCl। अब देखो यहाँ पर जो चीज़ समझने की है, Na के साथ 2 है, मीन्स किसके 2 मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, तो Cl के पास क्या है, सिर्फ 1 है, तो हम कैसे करेंगे, ये Na2Cl कुछ भी नहीं होता, ठीक है, ये कंपाउंड रॉन्ग है, ठीक है, ऐसा नहीं होता। तो हम क्या करेंगे, इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ पर 2HCl लगा देंगे, तो ये हमारे पास प्रोडक्ट जो बनेंगे उसके बनेंगे 2NaCl प्लस H2O। ये जनरल रिएक्शन है हमारा किस चीज़ का, मेटल ऑक्साइड का एसिड के साथ। उसके बाद बच्चों रिएक्शन जो आता है लास्ट के ऊपर, वो आता है एसिड का कार्बोनेट के साथ, ठीक है,
कार्बोनेट क्या होते हैं, CO3 के जो कंपाउंड्स होते हैं उनको कार्बोनेट कहते हैं। आपको जनरली इनिशियस पता होना चाहिए कि ऑक्साइड्स क्या होते हैं, कार्बोनेट्स क्या होते हैं, ठीक है, ये जनरल चीज़ें आप लोगों को पता होना चाहिए। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, एसिड रिएक्ट करता है कार्बोनेट के साथ, आपका सॉल्ट बनता है, वाटर लिमिट होता है और कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो इलिमिनेट करती है, इवॉल्व आउट होती है। क्यों? क्योंकि आपके पास कार्बोनेट है, ठीक है, कार्बोनेट जाहिर बात होगा तो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो निकलना जरूरी है। जनरल रिएक्शन करवाती हूँ जो कि आपकी बुक के ऊपर मेंशन है, सीधे जाके आप लोगों को समझने में आसानी हो। HNO3, ठीक है, ये रिएक्ट करता है किसके साथ, ये रिएक्ट करता है बच्चों सोडियम कार्बोनेट के साथ, Na2CO3 के साथ रिएक्ट किया है तो क्या बना आपके पास, सोडियम नाइट्रेट NaNO3, ये आपके पास क्या है, सॉल्ट है, सोडियम NaNO3, ठीक है। उसके बाद क्या बनेगा, आपके पास वाटर बनेगा H2O, और फिर यहाँ से आप लोगों के पास क्या निकलेगी, CO2 जो है वो इलिमिनेट होगी। ये जनरल आपके बुक के ऊपर जो रिएक्शन मेंशन है इस तरह होगा। अगर बच्चों मैं आपको एक एडिशनल रिएक्शन करवा देती हूँ किस चीज़ का, मैं आपको बताती हूँ जिंक कार्बोनेट का, ZnCO3, इसके नीचे लिख लो जिंक कार्बोनेट, ये रिएक्ट करता है किसके साथ, ये रिएक्ट करता है बच्चों सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, H2SO4, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड किंग ऑफ केमिकल्स भी सो कहा जाता है। ये रिएक्ट करता है तो हमारे पास क्या बनेगा, जिंक सल्फेट ZnSO4, जिंक सल्फेट प्लस वाटर बनेगा आपके पास H2O, और फिर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इलिमिनेट होगी, इवॉल्व होगी। तो ये जनरल रिएक्शन की चीज़ का कि मेटल कार्बोनेट जो होता है वो एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो हमारे पास क्या बनता है, सॉल्ट बनता है, वाटर बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। आपकी बुक के ऊपर ये नई चीज़ लिखी हुई, फ्लो चार्ट बना के लिख लो कि हमारे पास एक क्या है, कार्बोनेट का है प्लस हमारे पास एसिड आता है, तो रिएक्शन में क्या बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो बच्चे ये थे बेसिकली आप लोगों की प्रिपरेशन ऑफ सोल्यूबल चार्ज। हम देखें किस तरह चार स्टेप के थ्रू हम देख सकते हैं कि सोल्यूबल चार्ज होते हैं वो हम किस तरह प्रिपेयर कर सकते हैं। जो इन सोल्यूबल चार्ज की प्रिपरेशन है वो हम डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा डिटेल में मैं आपको बताऊंगी क्योंकि आपके बहुत शॉर्ट लिखा हुआ है। हम 3 से 4 रिएक्शन जो है वो एटलीस्ट करेंगे उसके, ठीक है, आपको लॉन्ग आ सकता है तो आप लोग लॉन्ग जो होता है वो आपको पता है आपसे 5 से 6 इसके ऊपर लिखो तभी आप लोगों का काफ़ी होता है। इसलिए मैं आपको एडिशनल 1-2 रिएक्शन करवा देती हूँ, ठीक है, आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि जिस बच्चे को पता है कि रिएक्शन कैसे बनना है, ठीक है, आपके पास प्रोडक्ट क्या आने, रिएक्टेंट क्या आने, तो उसके लिए मुश्किल नहीं होता रिएक्शन लिखना, तो वो कोई भी मेटल उठा सकता है, कोई भी एसिड उठा सकता है, उसको बस वैलेंसी सेटिस्फाई करनी आती हो, ठीक है, प्रोडक्ट आते हो तो वो आसानी से अपना रिएक्शन जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। कल इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे अपना प्रिपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉल्ट, और इसके साथ हम थोड़ा सा पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स की, कितनी टाइप्स होती हैं सॉल्ट्स की, ठीक है, और उनके थोड़े थोड़े हम रिएक्शन पढ़ लेंगे, ठीक है, बहुत ईजी है, जो मैं पढ़ाती हूँ उसको रोजाना पढ़ा करो, इंशाल्लाह आप लोगों के मार्क्स में फूलेंगे। आज का इतना ही, आई होप सो कि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है, कल मिलते हैं एक नई अच्छी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए फिर मानेला।